स्लाइड्स आपको विजिबल है ना? सर। तो आज हमने जो करना था वो स्टार्ट करना था हमने जावास्क्रिप्ट से, सही है? हमने जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करना था। किसी ने पहले जावास्क्रिप्ट का नाम सुना है या काम किया? जी सर, नाम सुना है लेकिन काम नहीं किया। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि आपका जो HTML होता है वो आपकी वेब पेज जो होता है आपका उसका स्केल्टन होता है, ठीक है? और जो आपका इसको क्या कहते हैं, आपकी जो CSS होती है वो आपके उसका मेकअप वगैरह होता है, आपकी स्किन वगैरह जिस तरह आप उसको कह ले, यानी CSS आपके वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको विजुअल देने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है, ठीक है? बस जो HTML होता है वो स्केलेटन होता है, मगर जो आपके वेब पेज के ऊपर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है ना ये आपकी जावास्क्रिप्ट से होता है, ठीक है? आपने कई बार देखा होगा कि आप पासवर्ड डालते हैं या अगर आप पासवर्ड नहीं डालते तो ऐसे ही आप एंटर कर देते हैं तो वो कहता है कि ये आपने पासवर्ड नहीं डाला, तो वो आपको उस फॉर्म पे ही रोक लेता है। आपने कई दफ़ा साइन अप करते हुए या साइन इन करते हुए देखा होगा, ठीक है? तो वो जो काम हो रहा होता है ना वो जावास्क्रिप्ट से होता है, ठीक है? सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है ना ये भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्टली जो है ये आपकी वेब के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे आपके ना वेब के फ्रंट एंड के लिए, मगर इसके ऊपर बहुत सारे फ्रेमवर्क है। आप इससे बैक एंड का भी काम कर सकते हैं, आपके पूरे पूरे फ्रेमवर्क है जो बैक एंड पे भी चल रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आपसे इसे डेस्कटॉप एप्स भी बना सकते हैं, इससे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? मगर अभी जो हम इसको इस्तेमाल करने लगे हैं ना वो आपकी वेब के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये बनाई भी वेब के लिए गई थी, मगर अब ये तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होती है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट जो है, तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने ना वेरिएबल्स के बारे में। आप लोगों में से किसी ने भी जिसने प्रोग्रामिंग की है उसको तो वेरिएबल्स का पता होगा, जिन्होंने नहीं की तो मैं उनको बताता चलूं कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये होते हैं आपके कंटेनर्स की तरह। आपको पता है जो आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, जो भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कंप्यूटर में ना कहीं आप उसमें डाटा भी डालते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आप उसमें ना यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं, आप यूजर से कोई डाटा ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं, वो आपका जो डाटा होता है ना वो कहीं आपके प्रोग्राम या आप जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, एप्लीकेशन जो आप लिख रहे होते हैं वो आपके कहीं स्टोर होता है। वो जो स्टोरेज होती है ना वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना? वेरिएबल्स होते हैं आपके कंटेनर्स की तरह से, बॉक्सेस की तरह इनको समझ लें, ठीक है? जैसे आपके पास कॉटन यानी बॉक्सेस होते हैं ना, उनको इस तरह समझ लें। इसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना? ये समझें ये एक वेरिएबल है। हमने इसका जो सेंटेक्स होता है ना, हम इसको थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं ना, जावास्क्रिप्ट का भी एक टैग होता है, जैसे HTML में हर चीज का एक टैग होता है ना, जावास्क्रिप्ट का भी अपना एक टैग होता है, वो टैग होता है स्क्रिप्ट का, ठीक है? ये आपका स्क्रिप्ट का टैग होता है, इसके अंदर आप HTML कह रहे हो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है? आप इसको अलग फाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके इसके लिए इसको क्या कहते हैं टैग होता है जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना हमने फॉर्म वैलिडेशन करनी है, ठीक है ना? जैसे कि नहीं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम एंड के ऊपर ना एक छोटा सा कोड लिखेंगे, एक प्रोजेक्ट ऐप छोटा सा करेंगे जिसमें हम ना लॉगिन का फॉर्म उसकी वैलिडेशन करेंगे, ठीक है ना? वो मैं आगे जाके आपको जी सर, बताऊंगा। जी, सर वो जो हम वेब पेज बना रहे होते हैं जिसमें सारी कमांड डाले तो उसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं या फिर? नहीं, वेब पेज में आपका होता है कि आपके होता है ना, जैसे आपने देखा हो कभी, एक सेकंड में आपको बताता हूँ।
आप यहाँ पे आए तो जैसे कि यहाँ पे कोई पेज खोल लें आप, किसका खोलें हम, किसका खोलें हम, यहाँ पे फेसबुक कर लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक का हो सकता है और टाइप हो, बट इसको देखते हैं हम एक दफ़ा, इसके लॉगिन पे आ जाते हैं। ये फेसबुक, अगर आप यहाँ पे कुछ भी ना ना डालें वैसे लॉगिन करें तो ये देखें, ये आपको ये दे रहा है ना, ये एरर जो आपके फॉर्म पे दे रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से होता है, जैसे ठीक है। ये जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है ना, ये आपकी जावास्क्रिप्ट से होती है, ठीक है। जैसे तो ये इस तरह के जो काम आपके होते हैं ना, ये देखें, ये जो काम हो रहा होता है ना, ये आपके क्लाइंट साइड पे होता है, ये पीछे सर्वर वाला काम नहीं हो रहा होता, ठीक ना। अभी आप यहाँ पे कोई अपनी ईमेल वगैरह डाल के, पासवर्ड वगैरह, ये दो चीजें डाल के जब लॉगिन करते हैं ना, तो वो काम पीछे जाके सर्वर पे हो रहा होता है। मगर ये जो काम होता है ना आपका, ये फॉर्म वैलिड है या नहीं है, यानी आपने इसके अंदर सही वैल्यू डाली है नहीं डाली, ये काम सारा ना आपका क्लाइंट साइड यानी आपके ब्राउजर में ही जावास्क्रिप्ट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ तक सर, कोई इशू है किसी को? जी, सर जावा को क्रैक किया जा सकता है? जी जी क्रैक, जावा को क्रैक कर सकते हैं? हाउ, आपका मतलब क्या है? मैं आपकी बात नहीं समझा। सर मतलब ये कि आप ही जैसे कि जो हमने ईमेल वगैरह कुछ डाली, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लग रही है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम कि हम ईमेल डाले बगैर एंटर कर लें फेसबुक में, लॉगिन कर लें? हाँ जी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसको ना आप आगे पर, ये आपको आगे अगले लेवल्स में बताएंगे आप, ये जावास्क्रिप्ट की जो होती हैं चेक्स, इसको आप बायपास कर सकते हैं, या आप ये बर्फ सूट ओके से ही करते सर, हैं, तो ये मगर आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ये अपना ओके जावास्क्रिप्ट सर, सही होता है, जावास्क्रिप्ट की आपके जो बायपास होती है ना, हम ये बर्फ से करते हैं, मैं आपको ना ये अगले लेवल्स में बताएंगे, ठीक है ना। इनके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये जो क्लाइंट साइड पे ये जो जावा से ये एरर हमें बताते हैं, ये इसे वैलिडेशन चेक बोलते हैं ना? जी, ये वैलिडेशन चेक होता है, और ये अभी हम ना एंड में करेंगे भी, सही है। हम एक अपना लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर हम ये करेंगे भी। तो इनके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना जल्दी से एक फॉर्म बना लेते हैं, अच्छा। तो यहाँ पे हमने बनाना था फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हमने वो इनपुट वाले याद है ना आप लोगों को, तो वैसे ओपन कर लेते हैं। अगर अभी हम इसको देखें तो ये आपके पास इस तरह का फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना। ये सबको नजर आ रहा है ना? तो अभी हम ना, हमने चलें ये फॉर्म बना लिया, इसके ऊपर ना हम इसके बाद में वैलिडेशन करेंगे। सबसे पहले हम थे जावास्क्रिप्ट, और इसके ऊपर हम वेरिएबल्स कर रहे थे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि वेरिएबल्स होते हैं, कि आप ना प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जैसे अब यहाँ पे हम यूजर नेम ले रहे हैं ना, पासवर्ड ले रहे हैं, तो इस तरह भी आप कहीं पर भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको इनपुट लेते हैं ना, वो कहीं पर स्टोर होती है, ठीक है ना। वो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो कहीं पे जाके स्टोर होती है। वो जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इस तरह करके करते हैं उन, जैसे इनको इस तरह कर लें कि आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, और उस उन बॉक्सेस के अंदर ना हम उन बॉक्सेस को हमने लेबल लगा दिया, ठीक है ना। वो हम उन वेरिएबल्स का नाम हो सकता है। जैसे कि हम दो तरह से इस पे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं,
एक सेकेंड, हम लेट से बनाते हैं। सेकेंड से बनाते हैं, नहीं यूजर नेम ठीक है, और हम वार से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये कीवर्ड होता है। आपने कोई भी वेरिएबल बनाना है ना, आप पहले ये कीवर्ड लिखेंगे, लेट या वार, इनमें से कोई भी हो सकता है ठीक है। और उसके बाद आपने ना यूजर नेम यानी उसका नाम लिखना है, कोई भी उसका आपका जो वेरिएबल का नाम हो। जैसे कि आपके पास, मैंने आपको बताया ना कि आपके पास समझे ये, आपके पास यहाँ पे ना समझे यहाँ पे ये आपके पास ये कंटेनर है ठीक है, इसके अंदर ना आपने कुछ आइटम्स डालने हैं ठीक है। आपने ये एक आइटम डाला ठीक है, बस इस आपने ना इसको कोई ये कंटेनर है, आपको याद होना कि आपने आपके पास समझिए ज्यादा सारे कंटेनर है आपके पास ज्यादा सारे कंटेनर्स हैं, तो हेलो। आप आपने ना उनमें से फिर आपको भूल जाएगा कि इसमें आपने क्या डाला था, तो आप उनको नाम दे सकते हैं ठीक है ना। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया Shape1 ठीक है, तो ये इस नाम से एक वेरिएबल बन गया यानी एक डब्बा बन गया जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे आप आए ना, तो यहाँ पे आपका ये आपका कीवर्ड है, ये इसी तरह आएगा, ये आपका वो लेबल है जिस नाम से आपका स्टोर होगा। अभी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है ना, तो मैं इज इक्वल टू करके ये कोलन डाल ठीक है। ये स्ट्रिंग हम कोई नेम स्टोर कराते हैं ना, तो ये अलग अलग टाइप का डाटा होता है। जैसे हम कोई टेक्स्ट स्टोर करा रहे हैं ना, तो उनको हम ये डबल कोट्स के अंदर स्टोर करते हैं ठीक है ना। कोई भी टेक्स्ट स्टोर हो, जैसे आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका उसको क्या कहते हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर हो गया, जो भी इस तरह की होती है ना चीज़ें, हम उनको स्ट्रिंग में स्टोर कराते हैं, उनको ना हम डबल कोट्स में स्टोर कराते हैं। जैसे ये मेरा नाम है ना, तो मैं यहाँ पे ये स्टोर हो गया ठीक है। अब इसको आप इस तरह ले सकते हैं, अगर हम इसको करें ना तो ये इस तरह करके कुछ बनता है पेंट के अंदर, अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह करके बनेगा। तो यहाँ पे समझें ये एक डब्बा है ठीक है ना, जिसको मैंने लेबल दिया था नेम का, और उसके अंदर क्या स्टोर है, सर इस तरह बना हुआ ठीक है। इसको सर जी जी सर व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या हमारे लिए, मतलब कि इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं। मैं वो आपको बता रहा हूँ ना, कि जैसे कि हमने यूजर नेम अभी यहाँ पे मैंने ये बनाया है ना, ये दो फील्ड्स बनाई है ना, एक यूजर नेम की, एक पासवर्ड की ठीक यस सर है। आप ये वैल्यूज ले रहे हैं ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्लाइंट आके कोई वैल्यू डालेगा, यानी आपके यहाँ पे आके एक यूजर नेम डालेगा और पासवर्ड डालेगा ठीक है ना। ये ना बैकएंड जो आपकी होती है ना प्रोग्रामिंग, वो हाँ ये वहाँ पे कहीं पे जाके ना स्टोर होते हैं, फिर इनके ऊपर आप कोई परफॉर्म करते हैं एक्शन, आप इनको वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं कि ये है यूजर नेम या नहीं है ठीक है। सही, हम यहाँ ये पे कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। हाँ वो तो हाँ, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मगर यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू कोई भी डाल सकते हैं ना ठीक है। आपने जो वहां से यूजर नेम डाला है ना, वो यहाँ पे इसमें आके स्टोर हो जाएगा ठीक है। और फिर सर अगर कोई खोलेगा तो उसको वो सेम टू सेम वही डालना पड़ेगा ना जो आपने सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे लिखा होगा। नहीं वो हो सकता है, उसका मैं आगे आपको बताऊंगा, ये फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएबल्स का ठीक है। देखो आप जब भी कोई काम करते हो ना प्रोग्रामिंग के अंदर, आप ये आपने कोई कैलकुलेटर बनाया है प्रोग्रामिंग के अंदर ठीक है ना, वहां पे आप ले रहे हो 1+1, ये आपका 1+1, ये आपने तीन चीजें डाली है ना, ये जाके ना ये इस तरह वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं, ये डब्बों में स्टोर होती हैं, फिर इन डब्बों से आप इन वैल्यू को उठा के इनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ठीक है। ये बात समझ आई आप ओके लोगों सर को, ये अभी जो मैंने ये लिखा है ना,
लेट यूजर नेम इज इक्वल टू नुमान, ठीक है, ये उसका लेबल है, यानी ये उस डब्बे का नाम है, ये हमने डब्बा लिया, हमने उसके ऊपर ये लेबल लगा दिया, ठीक है ना, उसका नाम है यूजर नेम, और उस डब्बे के अंदर हमने रख दिया ये नुमान, मेरा नाम उस डब्बे के अंदर रख दिया, ठीक है, ये इस तरह करके है। समझ आई आप लोगों को, या कोई इशू है तो अभी बताएं, ये जरूरी है बहुत, इसको सही तरह समझना है सबने। नहीं सर, यहाँ तक सबको समझ आ गई, ठीक है, और नेम जो है वो आपका टेक्स्ट होता है ना, ठीक है, जो जो भी टेक्स्ट होता है ना उसको हम डबल कोट्स में डालते हैं, यानी ये डबल कोट्स के अंदर हम डालते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और होगी ना वो आपकी इसके अंदर आती है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। हाँ, तो किसी और को कोई इशू है? तो हम ना इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कोई पासवर्ड भी, यानी यहाँ ये एग्जांपल में यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, बेशक आप कुछ भी कह सकते हैं, इस डब्बे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, इसको मैं 1 2 3 भी कह सकता हूँ, तो ABC भी कर सकता हूँ मैं, इसको मैं XYZ जो भी इसको नाम देना चाहो मैं दे सकता हूँ, मगर नाम हम ना हमेशा यूजफुल देते होते हैं, यानी जिस टाइप की हम वैल्यू डाल रहे हो ना उस तरह का हम नाम देते होते हैं, सही है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा था तो मैंने इसलिए पासवर्ड रखा है इस डब्बे का नाम, इसमें मैं यूजर नेम डाल रहा था तो इसका इसलिए मैंने इस डब्बे का नाम यूजर नेम रखा है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस सर। तो यहाँ पे होता है कि आप इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आप जो होता है ना, आप इसके अंदर सिर्फ नेम और इस तरह नहीं, आप इसके अंदर कोई इसको क्या कहते हैं डिजिटल वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर कोई डिजिट भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कोई डेसिमल भी डाल सकते हैं, वो भी इसी तरह होता है, जैसे लेट एज इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगी, हर इसके बाद ना सेमी कॉलन जरूर आता है आपके पास, आपने कोई भी वेरिएबल इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखे ना आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद ये सेमी कॉलन जो है ना ये मस्ट आता है, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन जो है ना आपका ये मस्ट आता है, ठीक है। तो एज आ गई आपकी, ठीक है ना, आप इसी तरह यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं कि यानी इज ट्रू है या इज फॉल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी ज्यादातर जो है ना, अभी वॉर जो है ये डेप्रिकेट हो गया है, तो अभी तक अब ज्यादातर हम ना लेट इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए, ठीक है। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ है हम उसको, हमारे पास समझे मैंने एक वेरिएबल लिया है लेट नंबर इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ इसको मैं, नंबर 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट नंबर, एक सेकंड सॉरी, नंबर 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है।
अब ना मैंने इन दोनों को प्लस कराना है, ठीक है ना? जो प्लस हो के रिजल्ट आएगा ना आपका, वो भी एक वेरिएबल में जाता है, यानी आपकी जो भी वैल्यू होती है ना, वो आप किसी ना किसी कंटेनर में स्टोर करते हो, उसको फर्दर इस्तेमाल करने के लिए, उसको डिस्प्ले कराने के लिए, आप सबसे पहले उसको एक कंटेनर में रखते हो, यानी आप एक वेरिएबल में रखते हो। समझो मेरे पास दो नंबर है, 1 और 2, ठीक है? उनको मैंने दो वेरिएबल्स में डाल दिया। नंबर 1 इज इक्वल टू 1, यानी यह आपका नंबर 1 जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है आपकी 1 हुई है, ठीक है? और नंबर 2 के अंदर हमने 2 कर दिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाते देते हैं, लेट रिजल्ट, ठीक है? ये बना देते हम नंबर 1, ठीक है? नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब ये रिजल्ट के अंदर ना क्या, नंबर 1 प्लस नंबर 2 होके ना जो रिजल्ट आएगा ना वो इधर स्टोर हो जाएगा, सही है? हमारे पास एक मैंने वेरिएबल लिया था, यानी एक डब्बा लिया था, उसके अंदर ये वैल्यू डाली है 1, और दूसरे के अंदर मैंने वैल्यू डाली है 2, ठीक है ना? अभी मैंने तीसरा लिया रिजल्ट, उसके इज इक्वल टू किया नंबर 1 प्लस 2, तो ये प्लस होके ना इसका जो रिजल्ट होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। ये बात समझ आई है सबको? हाँ जी सर, आप ही सर। ये ना मैं आपको साथ साथ ना बताता हूँ, ऐसे तो समझ नहीं आती। आप असल आप ना जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंस्पेक्ट के अंदर आएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएं आप कंसोल के अंदर, यहाँ आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने लेट नेम इज इक्वल टू हम करा लेते हैं, तो हम करा लेते हैं कोई भी नेम करा लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं, इसको प्रिंट कराने के लिए ना, सिर्फ इसी के अंदर प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है, ये असल में कंसोल डॉट लॉग करता है कि ये प्रिंट करता है, ठीक है ना? अब मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये नेम डाला ना, तो इसकी जो वैल्यू थी इसने ये प्रिंट करा दी। अब हम आगे आए, ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है ना? इसमें अभी मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये अपना कहाँ पे कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट में आके ना वहाँ पे आप खोलेंगे तो ये कंसोल वाले टैब में आ जाए, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? जावास्क्रिप्ट जो होती है ना वो आपका ब्राउजर वो रन कर सकता है, ठीक है ना? या उसके लिए आपको नोट जैसी इस्तेमाल करनी होती है, उस पर हम छोड़ें, उसके ऊपर फिर हम कभी आएंगे। तो ये आपका हो गया। अभी मैंने एक और वेरिएबल लिया नेम, उसके अंदर अभी मैंने डाल दिया नुमान, ठीक है ना? अभी मैं इसके दोबारा प्रिंट कराऊँ ना, तो ये बस आप इसी तरह इसको याद कर लें, ये लॉग करने ये आपको प्रिंट कराएगा। अब नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो ये प्रिंट करा देगा। अब क्या आएगा यहाँ पे बताएं सारे? नुमान आएगा, बाकी सारे बताएं ना, किसी की और कोई हो तो वो बताए कि वो नेम आएगा या क्या आएगा। सर नुमान है। हाँ जी नुमान आएगा, तो उसको क्या कहते हैं, अभी देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे नुमान आ गया, ठीक है? तो यहाँ तक ये समझ आया अभी कि ये किस तरह हो रहा है काम? ये आ गया जी सर। आप तो अभी हम उसी तरह करते हैं, लेट 1 इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, नंबर 2 इज इक्वल टू हम लेट
रिजल्ट इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लॉग लॉग करेंगे तो हम हमारे पास यहाँ पे हम करते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताएं सर? 3 आएगा, बाकी भी बोले जी सर 3 आएगा। वेरिएबल नेम बनाया था ना, ठीक है, उसके अंदर पहले मैंने नेम डाला था, ठीक है, तो समझे मैंने नेम यहाँ पे डाला था, वो आके यहाँ पे नेम में स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई और चीज डालूंगा ना, जैसे मैंने नुमान डाला तो वो उसी को आके ओवरराइड कर देगा, ठीक है, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। एक ना बहुत मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कुकी जो है ना वो स्टील हो जाए तो क्या होता है। कुकी असल में आपके पास होता है कि आपके पास आपने लॉग इन कर लिया ना, ठीक है ना, तो आपके ब्राउजर को कैसे पता लगता है कि वो आप ही हैं? लॉगिन करने के बाद आपके कुकी से पता चलता है, ठीक है ना। तो अगर कुकी किसी ने आपका स्टील कर लिया ना, कुकी किसी का आपका किसी के पास चला गया अटैकर के पास, तो उसको आपको ना उसको ना आपका यूजर नेम चाहिए ना पासवर्ड चाहिए, ठीक है ना, वो वैसे ही लॉगिन कर लेगा, सही है। ये मैं आपको कल करके दिखाऊंगा, अभी वैसे क्लास एंड भी हो रही है हमारी। और उसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट सबको समझ आई है वैसे? जी सर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक तो अब आपने लॉगिन वैलिडेशन वैसे आज मैंने आपको करानी थी बट टाइम वैसे ज़्यादा हो रहा है काफ़ी। एक ना छोटा सा हम करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं, इसकी ना वैल्यू सिर्फ लेते हैं, ठीक है ना, इस सब को हम फिलहाल मिटा देते हैं। मैं आप लोगों को ना सिर्फ एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट का, पेज के अंदर लगा हुआ देखो, ठीक है। मेरे पास समझे यूजर नेम है, ये यूजर नेम का मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है ना, तो ये हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब आपको आप देख रहे हैं कि मैंने इसको आपके पास जो भी होता है ना आपके पास ऐसे ही नहीं पता चलता, जावास्क्रिप्ट के पास ना वो डब्बा आउट होना चाहिए। वो डब्बा किस तरह होता है कि उसके आईडी से पता चलता है। मैंने ये देखे ये आईडी इसको क्या दी हुई है, यूजर नेम दिया हुआ है ना। ये आईडी जो होती है ना आपकी हर इनपुट फील्ड की, आप किसी भी चीज को दे सकते हैं आईडी, आप इनपुट को भी दे सकते हैं, आप पी को भी दे सकते हैं, आप एच टैग को भी दे सकते हैं, आप किसी भी टैग को ना आईडी दे सकते हैं, ठीक है ना, मगर वो आईडी उसकी यूनिक होती है। जैसे आपका होता है ना, आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है आपका, देखिए आपके आईडी कार्ड के ऊपर या आपके डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं आपके उसके ऊपर ना वे फॉर्म जो होता है उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, वो आपका सबसे यूनिक होता है, ठीक है ना। आपका नाम सेम हो सकता है, जैसे नेम होता है ना ये मैं सेम रख सकता हूँ, आईडी आप लोगों की हमेशा अलग ही रहेगी, ठीक है ना, वो आपकी यूनिक होती है। तो हम ना उस आईडी से उस एलिमेंट को उठा लेते हैं, हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये पहले से फंक्शन हमें दिया हुआ होता है, ठीक है, बस आपने इसका नाम याद रखना, ठीक है। ये मैं आपको आगे बता भी दूंगा, ये लिखेंगे ना आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या वो कह रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी से आपने गेट करना है, उस एलिमेंट को पकड़ लेता है, उस टैग को वो उठा लेता है, ठीक है ना। हम मैं किस उसको उठाया है, यूजर नेम वाले एलिमेंट को हमने उठा लिया, ठीक है ना, वो इस यूजर नेम में आ जाएगा। हमने अभी हमने इस एलिमेंट का हमें क्या चाहिए, इसकी हमें वैल्यू चाहिए डॉट कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हम इसको अलर्ट करा देते हैं,
देखते हैं ये चलता है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने डाला, इसी क्वालिटी डाल देते हैं, तो सबमिट कराएं, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे क्या होती है इसकी, मेरे ख्याल से डॉट वैल्यू होती है या डॉट, मेरे जेन से निकल गया इसको, ना सही होता है। एक सेकंड, वैल्यू होती है क्या होता है उसको, ना मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ क्या होता था, मेरे जहन से निकल गया। डॉट वैल्यू ही होता है वो सेट करने के लिए होता है। हाँ वैल्यू ही होता है, मैं सही कर रहा हूँ, वैल्यू ही होता है। एक काम कर लेते हैं, अच्छा तो ऐसे करते हैं कि मैं आपको ना फिर बताता हूँ, पता नहीं यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपको फिर इसको क्या कहते हैं कल इसको ना कंफर्म करके बताता हूँ। मगर कल हम ना इसको क्या कहते हैं इसकी ना फॉर्म वैलिडेशन करेंगे, ठीक है ना।